किसी ने बोला लव मैरिज है तो कितना टाइम हो गया, किसी ने बोला आपने अरेंज मैरिज कैसे कर ली, आप रिश्ता कब बैग में गए, मतलब अभी तक लोग इसी में कंफ्यूज है कि लव है या फिर अरेंज है। फाइनली मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने जब ये वीडियो बनाई ना उससे पहले मैंने ऐसे लंबी सांस ली, कशिका बताना है, फाइनली बताना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयरएवर यू आर। दिस इज माय फर्स्ट एवर वीडियो आफ्टर गेटिंग रोका 5। इतने बैक टू बैक और भी फंक्शन हुए थे ना मेरे कजन के, उसके बाद एकदम मेरा रोका हो गया, तो मैंने उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक लिया था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और आज मैं शूट कर रही हूँ, रोका करने के बाद मैं फर्स्ट वीडियो यहाँ पे शूट कर रही हूँ, और मुझे लगा यही पहले वीडियो बनाते हैं बिकॉज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आई नो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिकॉज मैं हर चीज़ स्टोरीज पर डालती हूँ, यूट्यूब पर आप सबके साथ इतने चिट चैट करती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ, तो मैंने ये चीज़ नहीं बताई ना तो बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स नाराज हो गए कि एकदम ऐसे कैसे हुआ। स्टार्टिंग में तो मुझे डीएम्स आ रहे थे कि प्रैंक मत करो, ऐसा प्रैंक मत करो, ये बहुत गंदा मजाक है वो, एंड आई वाज लाइक मजाक नहीं है यार, मेरा सच में रोका हो चुका है। लगा नहीं था कि लोग इतना पूछने वाले हैं, बट काफी सारे आ गए। मैंने इंस्टा पर पूछा, यूट्यूब पर पूछा, बहुत सारे आप सबके सवाल आए। वैसे वो कॉमन ही है, 2-3 क्वेश्चन जो कॉमन होते हैं ना वो तो कॉमन ही है, बट आई ट्राई माई बेस्ट, मैं सबका आराम से बैठ के आंसर करूंगी आप सबको। आज मैं पूरा राज खोलने वाली हूँ जो इतने सालों से मैंने हश करके रखा हुआ था, बिकॉज अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, अब तो मैं आराम से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बोल सकती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस के साथ। वैसे सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है इंस्टा और यूट्यूब दोनों पर वो वही है कि लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। किसी ने बोला लव मैरिज है तो कितना टाइम हो गया, किसी ने बोला आपने अरेंज मैरिज कैसे कर ली, आप रिश्ता कब बैग में गए, मतलब अभी तक लोग इसी में कंफ्यूज है कि लव है या फिर अरेंज है। एंड आई नो मैंने अब तक कुछ नहीं बताया था ना, तो काफी लोग इसको अरेंज भी समझ रहे हैं। अगर मैं पहले से कुछ चीज रिवील करके चलती तो तुम्हें पता होता कि ये लव ही है। So mine is a love marriage after years, मतलब literally ऐसा होता है कि manifest किया, मेहनत करी, arguments हुए, family, मतलब मेरी love story literally एक movie बन सकती है, हिंदी movie बन सकती है मेरी love story में, because इतना लंबा वो रह चुका है। So मैं बता देती हूँ, he is my college friend, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं। So we are 9 years of friendship and we are 7 years of relationship, मतलब 9 साल में से 7 साल का हमारा relationship रह चुका है। So it's like 7 years to 7 pharaohs। ये मैंने इस साल का hashtag सोचा हुआ था कि अगर इस साल शादी होगी ना तो मैं ये वाला हैशटैग यूज करूंगी। भाई टिपिकल लड़की हूँ मैं जो चीजें ऐसी प्लान करके बैठती है, बट ऑब्वियसली इस साल तो नहीं हो पाएगा। सो ये तो आंसर क्लियर हो गया कि ये प्रॉपर वाली लव मैरिज है। ज्यादा डीप टाइम हम करेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी और दिन ना आराम से बैठ के ऐसे प्रॉपर एक मेकअप ट्यूटोरियल टाइप बनाऊंगी और मैं पूरी स्टोरी समझाऊंगी, क्या रहा, कैसे रहा, फ्रेंडशिप कैसे हुई, जो भी था, जो भी चीजें थी, फैमिली कलेश, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंटर कल्चर मैरिज भी है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इट्स एन इंटर कल्चर मैरिज, इट इज नॉट इवन इंटर कास्ट मैरिज। इंटर कास्ट में भी काफी इशूज हो जाते हैं, तो फिर भी इंटर कल्चर विच इज लाइक काफी लंबा छलांग वाली सीन हो गया, बट या सो ये आंसर मैंने क्लियर कर दिया। जीजू कौन है, आप जीजू का फेस क्यों दिखा रहे हैं, जीजू आपके फ्रेंड ग्रुप में से है ना। लिटरली लोग मेरे पुराने व्लॉग्स में जाके स्क्रीनशॉट लेके मुझे डीएम्स पे भेज रहे हैं कि यही वाले हैं ना, और अजीब सी गेसिंग गेम चल रही है, विच इज वियर्ड। देखो मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ इन द वर्ड, इन द मीनिंग ऑफ कंसेंट। सो मेरे पार्टनर ने क्लियर बोला है कि अभी मत डाल, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी प्लीज अभी इतना मत डालियो, ना मुझे को टैग करियो। सो आई ट्रूली बिलीव इन कंसेंट, वो जब तक मुझे नहीं बोलेगा मैं नहीं डालने वाली। सो इसलिए मैंने वो जो फोटो भी डालती ना केक कटिंग वाली, वो इसलिए नहीं डालती मैं जबरदस्ती ऐसे दिखा के इमोजी लगा के सस्पेंस बना रही हूँ वो बना रही हूँ, नहीं। मैंने उससे पहले जो आउटफिट की वीडियो डाली थी, स्टोरी डाली थी कि मेरा रोका होने वाला है, उसमें मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि प्रैंक मत करो, ये मजाक है, ऐसा कोई प्रैंक कौन करता है। सो मैंने क्लियर करने की डाली थी प्रॉपर केक कटिंग वाली कि है भाई प्रॉपर मेरा रोका हुआ है, पर मैंने फेस हाइड कर दिया था बिकॉज ऑब्वियसली ही क्लियरली टोल्ड मी कि अभी मत डालो, इज नॉट कंफर्टेबल। प्लस अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, ही इज लाइक एट हिज बिजिएस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ में कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, उसमें उसको पूरा अपना 100% देना है। सो उसको अभी वो वाली अटेंशन नहीं चाहिए। ऑब्वियसली यार मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, मुझे इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो वो सारी अटेंशन उसकी तरफ भी जाएगी, एंड ही इज नॉट रेडी फॉर ऑल ऑफ दैट। सो उसी रीजन की वजह से मैं अभी इतना कुछ नहीं डालने वाली। और आई थिंक अगर सात साल का रिलेशनशिप हम बहुत बिना कहीं डाले, बिना कहीं पिक्चर्स डाले, कोई व्लॉग बनाए, कुछ भी बिना शेयर किए हम इंजॉय कर चुके हैं ना, तो आई थिंक आगे का टाइम भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। ऐसा नहीं है मैं जिंदगी भर नहीं दिखाने वाली, ऐसा नहीं है। फ्यूचर में जब भी शादी होगी या जब भी वो रेडी होगा, मतलब अगर वो बोलेगा ना अगले हफ्ते भी मुझे बोलेगा कि चल डाल दे मेरे साथ, मैं डाल दूंगी, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट मैं खाली उसकी कंसेंट की वेट कर रही हूँ। ऑब्वियसली कल को जब शादी होगी तब तो दिख ही जाएगा। मेरा खुद का ही पर्सनल यही रीजन है कि 7 साल का रिलेशनशिप अच्छा चल गया है ना, और बिना कहीं दिखाए, बिना किसी को शो ऑफ करे, तो आई थिंक आगे भी चल जाएगा। मैं शादी तक चीज़ों को थोड़ा सा और प्राइवेट रखना चाहती हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस पीरियड। एक
और उतना जब सोशल मीडिया पे हर चीज़ डाल देते हो ना, फिर वो एसेंस चली जाती है, आपको एडिक्शन हो जाता है हर चीज़ डालने का, आप हर चीज़ ब्लॉग में कैप्चर करते हो, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर होता है, कंटेंट क्रिएटर है हमारा भी ये नेचर है कि अब पता ही है तो चलो व्लॉग्स ही बना लेते हैं और फिर उसके चक्कर में ना आप अपना टाइम स्पेंड नहीं करते। मुझे जब मैं लोगों के कपल व्लॉग्स, कपल चैलेंजेस एंड ऑल देखती थी, मुझे थोड़ा बहुत 10-20% दुख होता था कि क्या यार ये भी कर रहे हैं, मेरे पास तो है, मैं तो कर ही नहीं पा रही, मैं तो प्रॉपर शॉपिंग, मतलब वी आर स्पेंडिंग टाइम, वी कैन क्रिएट सम कंटेंट, लेकिन हम मैं नहीं कर सकती बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑल द रीजंस की इंटर कल्चर थी, मैं चीज़ों को थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहती थी, अंटी अनलेस थोड़ा सा फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल जाता, एक ऑफिशियली कुछ ऐसा हो नहीं जाता कि फैमिलीज एक्सेप्ट हो जाती हैं दोनों साइड की ना, तो एक ठंडक मिलती है। आई थिंक ये टिपिकल एक इंडियन मेंटालिटी है, सो इसीलिए भी मैंने अब तक कुछ नहीं डाला। और आई थिंक अब मेरा जो कोर्टशिप पीरियड चलने वाला है, आई थिंक रोक का और शादी के बीच के पीरियड को कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं, वैसे वो अरेंज मैरिज में होता है, बट आई थिंक लव मैरिज में भी कोर्टशिप भी बोलते होंगे, सो मैं इसको भी इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं इसको नहीं डालना चाहती। उसका जो टेक है कि अभी नहीं हमें वो करना, वो बिल्कुल करेक्ट है, अब जाके मुझे समझ आ रहा है करेक्ट क्यों है, बिकॉज रोके के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जीजू क्या है, जीजू का है, आप जीजू के साथ आप ये कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड मैं पर्सनली ना बड़ी एक सेल्फ एस्टीम वाली लड़की हूँ, एज इन कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म मेहनत करके बनाया है, ये मेरी आइडेंटिटी है, और किसी और के आने से मेरी आइडेंटिटी ना चली जाए या फिर वो मेरी आइडेंटिटी को ना ओवरशैडो कर दे, ये भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फियर है। सो या फॉर ऑल अ लॉट ऑफ रीजंस मैं अभी नहीं डाल सकती। सो जो भी कह रहे हैं शक्ल दिखाओ, फेस दिखाओ, कौन है, आई एम रियली सॉरी, आई कांट रिवील एज इफ नाउ, जबरदस्ती का सस्पेंस नहीं बना रही, मैंने आपको वैलिड रीजन दे दिया, एंड आई थिंक आप समझोगे भी, मेरी ऑडियंस काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपने कभी मेरे चैनल पर कुछ फालतू का ओवर नहीं देखा होगा कि मैं अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा दिखा रही हूँ, कुछ भी पर्सनलाइज ज़्यादा दिखा रही हूँ, बिकॉज कुछ एक चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपको इन्जॉय करनी चाहिए, कैप्चर नहीं करनी चाहिए, जी रहे हो थोड़ा बहुत व्लॉग बना लो, लेकिन व्लॉग के लिए मत जियो, जिस दिन आप व्लॉग्स बनाने के लिए जीने लगते हो ना, उस दिन आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है, सो मुझे वो काम नहीं करना। सो या आई थिंक माय गुड इंटेलिजेंट ऑडियंस विल अंडरस्टैंड दैट। सो बिफोर आई मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट क्विकली टॉक अबाउट फ्यू प्रोडक्ट्स। सो जब भी हम बात करते हैं ना हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन की, अपनी मदर से पूछते हैं, दादी माँ नानी माँ से पूछते हैं कि राज बताओ हेल्दी ग्लोइंग स्किन का, आपकी स्किन इतनी एज के बाद भी अच्छी क्यों है, वो हमेशा कहते हैं कि बेटा हम आयुर्वेदिक रेसिपीज़ यूज़ करते हैं, जो एज ओल्ड इंडिया में रेसिपीज़ चल रही हैं आयुर्वेदा की, हल्दी चंदन, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, और इन सबको बनाने में टाइम लगता है, बिकॉज जो एक्चुअल आयुर्वेदिक एंशियंट रेमेडीज़ होती है उनको बनाने में टाइम लगता है, वो बहुत नेचुरल प्रोडक्ट से डिराइव्ड होती हैं, जो आजकल हमें मिलता भी नहीं है, सो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत बार ये मेसी हो जाता है प्रोसेस, हम नहीं कर पाते। सो मॉडर्न डेज के लिए एक अलग टाइप का स्किन केयर होना चाहिए जो हमें वो आयुर्वेदिक की एसेंस भी दे, एट द सेम टाइम काफ़ी क्विक हो यूज़ करना। एंड फॉर दैट आई हैव अ ब्रांड बाय द नेम ऑफ आयुगा। आयुगा के मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि कमेंट्स में आता था कि प्लीज इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को रिव्यू करो, सो आई हैव टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम जो मैंने खुद ट्राई और टेस्ट किए हैं। दे ब्रिंग यू ट्रेडिशनल विजडम ऑफ आयुर्वेदा इन देयर मॉडर्न डे स्किन केयर रूटीन। ये एकदम मेस फ्री है और आपको सेम वही एसेंस मिलता है आयुर्वेदिक रेसिपीज का। सबसे पहले मेरे पास इनका फेस वॉश जो है आयुगा का 1% चंद्रम फेस वॉश, इसके अंदर आपको मिलता है सैंडलवुड टर्मरिक, 26 प्रेशियस हर्ब्स मिलते हैं जो बेसिकली एक ब्राइटर ग्लोइंग स्किन में वर्क करते हैं। यू कैन सी इसका टेक्सचर काफी अच्छा है, इसका एक बहुत ब्यूटीफुल जेल बेस्ड टेक्सचर है जो काफी अच्छे से इमल्सिफाई हो जाता है, फोम भी अच्छे से होता है, मैंने काफी बार ऑयल मेकअप भी इसे रिमूव करने की कोशिश करी है, अच्छे से हो गया था। सो ऑयली स्किन के लिए भी ये काफी अच्छा है, जो भी डर्ट गंक होता है उसको रिमूव करता है, और इसके अंदर जो चंदन हल्दी की गुडनेस है वो टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, ब्राइटन अप स्किन पे वर्क करने की कोशिश करता है। एंड इसको सबसे बेस्ट बात यह है, इसको वॉश ऑफ करने के बाद मेरी स्किन ऐसे ड्राई खिंची खिंची स्ट्रेची फील नहीं होती, विच आई पर्सनली लव। सो कहीं ना कहीं स्किन के जो पीएच लेवल होता है ना उसको मेंटेन करके चलता है। सो आई थिंक फॉर ऑल स्किन टाइप्स ये फेस वॉश काफी अच्छा है, और दी आयुर्वेदिक खुशबू आती है, जैसे हम पहले चंदन के लेप लगाते थे ना, लिटरली ऐसा लगता है कि मैं वही लेप अपनी स्किन पर लगा रही हूँ, एकदम वो अर्दी नेचुरल खुशबू आती है। सो अभी भी अगर आपके पेरेंट्स मदर्स वो आयुर्वेदिक रेसिपीज यूज करना प्रेफर करते हैं ना, रिकमेंड दिस टू देम, बिकॉज उनको एकदम सेम फील आने वाली है। इफ आई टॉक अबाउट द सनस्क्रीन, ये है आयुगा की 2% चंद्रम सनस्क्रीन, इसके अंदर SPF आपको 50 मिल रहा है विद PA++ प्रोटेक्शन। सो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक सनस्क्रीन है तो इन्होंने कहीं ना कहीं सन प्रोटेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज किया, आपको अच्छी खासी सन प्रोटेक्शन मिल रही है। इसके अंदर भी आपको मिलता है सैंडलवुड मिलता है, टर्मरिक मिलता है, 26 प्रेशियस हर्ब्स मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता सैंडलवुड जो होता है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये रेडनेस और जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसको रिड्यूस करने की में हेल्प करता है, एंटीसेप्टिक होता है। फिर इसके अंदर टर्मरिक है जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, हम सबको पता है इंडियंस को हल्दी के कितने अच्छे बेनिफिट्स होते हैं।
फेस के अंदर वेटिवर भी है जो मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को, अगेन पीएच लेवल को मेंटेन करके चलता है। इसके अंदर मंजिष्ठा भी, अगर आपको नहीं पता मंजिष्ठा जो होता है ना, ये एक ऐसा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो एक्ने को क्योर करने में भी हेल्प करता है, स्किन इन्फेक्शन को हटाने में हेल्प करता है। सो ओवरऑल ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना, ये बहुत ब्यूटीफुली आपकी स्किन पर वर्क करेंगे। यू कैन सी लगाते ही कितने अच्छे से सिंक इन हो गए मेरी स्किन पर, बिल्कुल भी वो व्हाइट कास्ट नहीं आई, ऐसा ही लग रहा मेरी स्किन हैवी फील हो रही है। इसकी सबसे अच्छी यही बात है, इसका जो एकदम क्रीमी लाइट टेक्सचर है ना, ऐसा लगता है मैं कोई मॉइस्चराइजर ही लगा रही हूँ, मुझे वो हैवी सनस्क्रीन फील नहीं होती। इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड योगा, कि आयुर्वेदा और योगा को मिक्स करके आयुगा तो बन रहा है, लेकिन योगा कहाँ से आया? सो इनके आपको बैक साइड पर मिलेगा क्यूआर कोड, इनके सारे प्रोडक्ट्स पर आपको बैक साइड पे क्यूआर कोड मिलेगा, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक क्यूआर कोड आपको मिल रहा है, एंड सेम फॉर द फेस वॉश, यहाँ पर भी आपको एक क्यूआर कोड मिल रहा है। सो हर प्रोडक्ट के पीछे जो आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, वो आपको लेके जाएगा एक वेबसाइट पर जहाँ पे इनका एक फेस योगा रिचुअल है। सो ये आपको बताएगा कि आप हर प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हो फेशियल योगा करते हुए, तो आपको और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको पता है फेशियल योगा जो होती है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जो एजिंग और जो एक सैगिंग स्किन होती है ना, उसको एक अच्छा अपलिफ्टमेंट देती है। तो उसके लिए भी आप ये ट्रिक्स कर सकते हो, आप इजिली स्कैन करके सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। Also, if you don't know, Ayuga के जो प्रोडक्ट्स हैं, they are made safe, cruelty free, PETA certified, so कहीं ना कहीं they are safe for your skin as well. ये आप ले सकते हो Ayuga की ऑफिशियल वेबसाइट से, मेरा कोड लगा सकते हो फॉर 20% ऑफ, ये रहा कोड, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और अगर आप भी लेना चाहते हो नायका, Amazon, Flipkart से, आप वहां से भी ले सकते हो, लेकिन वहां पर डिस्काउंट कोड वर्क नहीं करेगा। ऑल्सो इस कोड से मैं कुछ अर्न नहीं कर रही, एफिलेट कोड नहीं है, इट इज जस्ट फॉर माई ऑडियंस। अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो किसी ने पूछा है कि आपने कितने साल के रिलेशनशिप के बाद ये सोचा कि आपको शादी करनी है। आई थिंक ये जो शादी वाला कीड़ा होता है ना, आई थिंक लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर के अराउंड जाग ही गया था, लाइक पोस्ट कोविड, जो लास्ट ईयर के बाद थोड़ा सा कोविड की सिचुएशन ठीक हो गई थी ना, उसके बाद मेरी अर्निंग थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी। मैं एक ऐसी एज पे थी कि मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि मुझे अब सेटल होना है। एक होता ना कुछ कुछ एक ख्वाब होते हैं जिंदगी में कि यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, एक एज ऐसी लगती है कि यार ये इतना अचीव करना है, उसके बाद जाके जब हम एक दूसरे की फैमिलीज को बताएंगे ना, तो आई थिंक ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बिकॉज जब इंटर कल्चर लव मैरिज होती है ना, और आप जाके सीधा बोलो मुझे शादी करनी है, ना आप कुछ कर रहे हो ना आपका पार्टनर कुछ कर रहा है, नहीं चलता। ये मूवीज में ही अच्छा दिखता है कि लड़की कुछ नहीं कर रही, लड़का कुछ नहीं करता है, शादियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता यार। आपको अपने करियर पे, आपको अपने हर चीज़ पर बहुत अच्छा फोकस करना पड़ता है। मतलब मैं एक बहुत अच्छी एक 7-6 figure इनकम पे आई हूँ, वो एक अपने बिजनेस में एक अच्छा स्टेबल पोजिशन पे आया है, दो उसका बिजनेस एक ऐसा है जो काफ़ी बार अफेक्ट हो जाता है कोविड की वजह से भी, बट स्टिल हम एक ऐसे करियर पोजिशन पे आए हैं जहाँ पर हमें हमारे अंदर एक मेच्योरिटी अचीव हो चुकी है, हमें पता है कि हमें आगे चीजों को कैसे लेकर जाना है, हमें आगे फाइनेंशियली चीजों को स्टेबल कैसे करना है। बिकॉज यार पैसा इंपॉर्टेंट है, जो लोग कहते हैं ना पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी, पैसा इज इंपॉर्टेंट, एंड आई लव द फैक्ट कि उसकी भी लाइफ की पहली प्रायोरिटी उसका करियर है, मनी को स्टेबल रखना है, और मेरी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी भी मेरा करियर है। आई थिंक उसी वजह से मैं ज्यादा करियर ओरिएंटेड बनी हूँ, बिकॉज मुझे अभी भी याद है 3-4 साल पहले जब उसका वो बिजनेस शुरू हुआ था, और टाइम नहीं मिलता था, हम एक दूसरे को नहीं टाइम दे पाते थे, वो एक्सट्रीमली बिजी रहता था, होता भी था साथ में तो कॉल्स पर होता था, और इनिशियली मुझे वो चीज़ बक करती थी, इरिटेट करती थी, बिकॉज एक कॉलेज टाइम का एक प्यार होना ना, जब आप एकदम वेले होते हो कॉलेज में, तो उस टाइम तो टाइम ही टाइम होता है एक दूसरे को देने को। तो ये वाला जो एक मेच्योरिटी फेज शुरू हुआ था ना, जब मुझे लगा कि ओह हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, अब हमें करियर पर ध्यान देना है, तो जब उसने ध्यान देना शुरू किया, मैंने भी इक्वली अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया कि यार मुझे भी कुछ अचीव करना अपने करियर में। मैं अपने घर में ऐसे मुंह खोल के नहीं बैठूंगी कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है, मैं एक अच्छा कुछ अचीव करूंगी अपनी लाइफ में, तभी मैं अपना रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, और तभी चीज़ें एक्सेप्ट भी होती हैं। पता है आप कोई भी आपको लगे ना कि नहीं मेरे घर वाले लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अगर इंसान अच्छा है, सेकंड करियर में अच्छा वर्क करा है, हार्ड वर्किंग है, मैं तो ये भी नहीं कहती कि बहुत अमीर है या फिर बहुत ज़्यादा भी पैसा कमा रहा है, पैसा हाथ की मैल है, कल होगा कल नहीं होगा कुछ नहीं पता, लेकिन जो हार्ड वर्क होता है ना वो कॉन्स्टेंट होता है। अगर दोनों के अंदर एक हसलिंग वाला नेचर है ना कि यार कुछ भी हो जाए हमें लाइफ में मेहनत करनी है, और सुबह जाना है शाम तक मेहनत करनी है, रोड पैसे कमा है, दो हद की रोटी का इंतजाम खुद अपने आप ऐसा करना है, तो ये मेंटालिटी अगर दोनों में है ना तो सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है। इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, इंसान करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, माँ बाप को इन दो चीज़ों से मतलब है, उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है ना। ऑब्वियसली इंडिया है, जैसे वो किसने बोला था, 2 states में डायलॉग था ना कि इंडिया में 2 लोगों की शादी नहीं होती, 2 families की शादी होती है, तो जब 2 families भी मिलती है ना तो एक अच्छा म्यूचुअल गुड वाइब जानी चाहिए कि अच्छा उसकी फैमिली भी अच्छी है। बिकॉज ऑब्वियसली मेरी फैमिली एक लड़की विदा कर रही है जो कहीं ना कहीं किसी और की फैमिली में जाएंगे, तो उनका भी यही सब
सबसे पहला कंसर्न होता है कि फैमिली कैसी है. तो जब फर्स्ट टाइम मिले, एक अच्छी प्रॉपर मीटिंग हुई थी, आई थिंक 9 अगस्त को हुई थी. मैंने स्टोरी पोस्ट डाला था ना हैशटैग रिश्ता वाला OOTD. तो अब मैं बता देती हूँ, येस 9 अगस्त को जो मिले थे उस दिन फैमिलीज ऑफिशियली प्रॉपर दोनों की उसी टाइम मिली थी. दे लाइक डेट माई फैमिली रियली लाइक देयर फैमिली एंड आई थिंक देयर फैमिली ऑल्सो लाइक माई फैमिली बिकॉज एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट एक म्यूचुअल एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था. दोनों को अच्छा लगा एक दूसरे की फैमिली से मिलके. हम दोनों भी रेडी थे मेंटली. एंड या आफ्टर दैट ऑन 4th September आई गॉट रोका फाइड. मेरे कजन के लिटरली बैक टू बैक फंक्शन के एक दिन बाद मेरा रोका हुआ. बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी, मतलब माई स्किन वॉज एट इट्स वर्स्ट. एक लगता है ना कि लाइफ का सबसे पहला स्पेशल दिन हो और उस दिन आप अच्छे सुंदर लगना चाहते हो, और उसी दिन मेरी स्किन सबसे ज़्यादा ऐसी वर्स्ट पे थी. बिकॉज जो कज़न की शादी हुई ना, 3-4 दिन मेकअप कर करके सुबह शाम तक जाते थे, स्वेट होता था, गर्मी की शादी और थी, सो मैं इतना मेकअप कर करके ना ऐसे छोटे दाने दाने कॉमेडाउन हो गए थे. मतलब रोका भी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट थी. अब एक भी बात तो स्टिल थोड़ी सी सेटल डाउन हो चुकी है, बट क्या यार आई एन्जॉयड दैट डे. मतलब मेरे अंदर वो अलग ही खुशी थी, ये चीज़ फाइनली हो रही है. मैंने इतना मैनिफेस्ट किया ना, वो 11-11 का टाइम, 12-12 का टाइम देख के जो कहते थे मैनिफेस्ट करो, सोचो, अच्छा सोचो, प्रे करो. सो प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, हार्डवर्क, सबका जो कॉम्बिनेशन था ना, वो मुझे 4th September को मिल गया. एंड टच वुड नजर ना लगे, बिकॉज जब कुछ अच्छा होता है ना तो कुछ ना कुछ खराब भी हो जाता है जिससे नज़र उतर जाती है. बट क्या, आई थिंक टच वुड नजर ना लगे. किसी ने पूछा है जीजू क्या करते हैं, जीजू का जॉब क्या है, जॉब है, बिजनेस है, किसी ने पूछा है. तो मैंने अभी जस्ट बताया उसका बिजनेस है एंड उसका क्या बिजनेस है, क्या करता है, वो सब वो खुद बताएगा. लाइक वो फ्यूचर में अगर खुद अपने आप को रिवील करेगा तो वो खुद ही बताएगा. मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहती बिकॉज ऑब्वियसली उसका काम है, उसको रिप्रेजेंट करने दो. एंड आई होप कि जिस दिन उस हम बताएंगे कि उसका क्या काम है, मेरा क्या काम है, तो ओवर शैडो ना करें एक दूसरे को. बिकॉज कभी कभी होता है यार किसी और का ओवर शैडो कर देता है. मेरे अंदर सबसे बड़ा ये फियर है, मतलब आई डोंट नो, मेरी सेल्फ इस्टीम काफ़ी हाई है, तो मुझे ऐसा लगता है यार मुझे कोई ओवर शैडो ना कर दे या फिर किसी और के आने से मेरी इंपॉर्टेंस ना कम हो जाए. बिकॉज एक हफ्ते से मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जीजू 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 चल रहा है. मतलब मैं स्टोरी डाल रही हूँ जीजू के साथ, हो कहीं जा रही हूँ जीजू के साथ, हो बहुत ज़्यादा हो चुका है ना. मुझे लगता है मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई है मेरे पेज पर, जो मुझे काफ़ी वियर्ड लग रहा है. आई एम सॉरी, आई एम नॉट समवन जो ऐसी वाली अटेंशन से बड़ी खुश होती है कि अटेंशन मिल रही है. नहीं यार, अटेंशन मिल रही है तो मुझे दो ना, मेरे को इंपॉर्टेंस दो. मुझे पहले से आता है मेरे पेज पे मेरी इंपॉर्टेंस मिलेगी, जो अब कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है, बट नेवर माइंड. सो उसका बिजनेस है, जो बिजनेस है वो फ्यूचर में खुद बताएगा. अगेन मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली, जिसका जो काम है उसको एक्सप्लेन करने दो. यार एनी हर्डल्स यू गाइस फेस टू मेक इट ऑफिशियल? ऑब्वियसली इंटरकल्चर मैरिज, यार हर्डल्स से भी बड़े बड़े हर्डल्स थे. क्या क्या नहीं हुआ, बिकॉज जब अपनी फैमिली को बनाओ ना तो पहले एक एक्सटेंडेड फैमिली आके बैठ जाती है कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे. अपनी फैमिली चाहे मान के बैठ जाए, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली वाले थोड़ा सा एक अच्छे बैरियर बन के बैठ जाते हैं कि नहीं ऐसे कैसे. तो वो बहुत सारे हर्डल्स थे, तो पहले उनको मनाया, वहाँ बात हुई, फिर अपनी फैमिली को बनाया. बहुत सारे हर्डल्स थे भाई, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कांटे ही कांटे हैं और चीज़ें एंड तक भी ठीक नहीं होती. अभी मेरी शादी नहीं हुई, अभी बहुत हर्डल्स आएंगे बिकॉज ऑब्वियसली इंटर कल्चर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके अपने रिचुअल्स होते हैं, हमारे अपने रिचुअल्स होते हैं. तो बैठना, डिसाइड करना, अभी भी चीज़ें टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक होने में. सो प्रे फॉर मी, प्रे गुड फॉर मी कि अच्छे से शादी हो जाए, सब कुछ हो जाए. शादी इस साल नहीं है, ये भी लोगों ने पूछा हुआ है. किसी ने पूछा है इस साल है आपकी शादी, व्हाट इज़ योर शादी डेट? अच्छा, डेट मत बताओ, मंथ बता दो. सडनली इतनी बिग अनाउंसमेंट आपने बता दी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं. सो शादी इस साल नहीं है, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइज, लेकिन शादी इस साल नहीं हो सकती. जो होगी नेक्स्ट ईयर ही होगी, और नेक्स्ट ईयर जब भी होगी मैं आपको बताऊंगी. मतलब आई थिंक मेरी मॉम एक लाइन बोलती है, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता. तो शादी भी कहते हैं ना, एक वक्त होता है जो ऊपर से जोड़ी बन के आती है, प्लस जो वक्त पे जिस टाइम पे वो होता है ना, वो सब कुछ ऊपर से आता है. सो अभी कुछ भी इतना डिसाइडेड नहीं है, जो होगा आपको डेफिनेटली यार जब उस टाइम पे हम व्लॉग्स बनाने वाले हैं. और उस टाइम उसने बोला ना कि शादी पे नहीं डालनी वीडियोस, तो मैं नहीं मानने वाली, मैं अपने फिर प्रॉपर डालूंगी. बिकॉज मुझे अपनी शादी अपने चैनल पर रिकॉर्ड करनी है यार, मुझे एक एक मोमेंट रिकॉर्ड करना है. सो मैं तो सब कुछ डालने वाली हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट. ओके, व्हेन यू डिसाइडेड टू गेट मैरिड? एज आई टोल्ड यू, जब लगा कि एक मैच्योरिटी लेवल करियर में आ चुका है, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, वी डिसाइडेड कि चलो रोका तो कर ही लेते हैं. फैमिली को एक इंश्योरेंस मिल जाती है यार, बिकॉज ये होना भी बहुत बड़ी बात होती है. ओके, सो वी आर डन विद इंस्टाग्राम वाले Q&A. जरा यूट्यूब पर जाते हैं, बिकॉज यूट्यूब पर थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चन हैं. दो जो मेजर क्वेश्चन थे वो मैंने आंसर कर ही दिए हैं, लव है, अरेंज है, जो भी है वो मैंने आंसर कर दिए हैं. बट लेट्स गो टू यूट्यूब कम्युनिटी टैब. कम्युनिटी टैब पर जब मैंने फर्स्ट टाइम पिक्चर डाली थी ना मेरी रोका वाली, वो भी किसी ने बिलीव नहीं किया था. मतलब काफ़ी टाइम से लोगों को लगा प्रैंक ही कर रहे हो. मैं ऐसे प्रैंक नहीं करती यार, तुमने कभी मुझे देखा अननेसेसरी प्रैंक वीडियोस बनाते हुए? मैं ऐसे प्रैंक क्यों करूँगी? मतलब तुमने बिलीव कैसे कर लिया? नहीं करती भाई मैं ऐसे प्रैंक.
someone on YouTube asked, I almost felt like it's a prank until you revealed your face. So happy for you. Have a super life. Where you proposed or did you propose? Okay, अभी वो वाला proposal तो देखो हमारा हुआ नहीं, वो fancy वाला जो होता है ना, proper ऐसे setup में propose करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. और ना भी हो तो मुझे कोई issue नहीं है. ठीक है यार, हम सब अपनी अपनी life में काफ़ी busy हैं, उसके अपने career goals हैं. और इस time पर तो मैं expect भी नहीं करती कि वो मेरे लिए इतना करेगा, because अभी उसकी life में एक बहुत बड़ा project होने वाला है जो touch wood I think हो जाए बस. तो मेरा भी उसी पे फोकस है कि लेट हिम डू हिज ओन वर्क. मैं इस मामले में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हूँ. मैं कभी नहीं डिमांड करती मेरे से मिलो, मुझे टाइम दो. जो क्लिंगी वाली गर्लफ्रेंड्स होती थी ना कि अभी मिलो अभी मिलना है, नहीं, वो जब भी वो कहता था ना मैं आज फ्री हूँ आज मिल सकता हूँ, आई वॉज लाइक ओके, मैं अपना टाइम निकाल के मिल लेती थी. अगर 15 दिन में, एक महीने में एक बार भी कभी कभी मिलना होता था ना, तभी भी चलता है, मेरा वो वाला सीन नहीं है. एंड दैट सॉर्टेड इन माई हेड. सो आई थिंक इज क्वाइट लकी, मैं बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड हूँ उस सेंस में. गर्लफ्रेंड तो नहीं, अब तो फियांसे बोल सकते हो. रोका होने के बाद फियांसे बोलते हैं, रिंग सेरेमनी होने के बाद बोलते हैं, आई डोंट नो, आई थिंक यू कैन स्टिल कॉल फियांसे. ओके, मेरी ऐसी बातें मेरे से सुनते हो कितना अजीब लग रहा होगा ना, बिकॉज अब फाइनली मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ. मैंने जब ये वीडियो बनाई ना, उससे पहले मैंने ऐसे लंबी सांस ली, कशिका बताना है, फाइनली बताना है, लेकिन इतना नहीं बताना कि सब कुछ ही रिवील हो जाए. वट विल बी योर शॉपिंग प्लेसेस फॉर आउटफिट, ज्वेलरी, शूज, बैग, सेरेमनीज? देखो अभी तो शादी फिक्स नहीं है, तो मैं ऐसे ज़बरदस्ती तो शॉपिंग करने नहीं वाली. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं, जो चाहिए होती हैं, वो ऑब्वियसली जो कहीं भी जाऊँगी मैं व्लॉग्स बनाने वाली हूँ. व्लॉग्स आपको दबा के मिलेंगे, मैं कुछ भी लूँगी मैं आपको डेफिनेटली व्लॉग्स बनाने वाली हूँ. अभी भी जो मेरे कज़न की शादी हुई, मैं लाजपत गई थी, मैंने व्लॉग बनाया. करोल बाग गई थी, मैंने व्लॉग बनाया. तो ऑब्वियसली ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है शेयर करने का आप सबके साथ कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में. तो फ्यूचर में जहाँ भी जाऊँगी मैं ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ. मैंने अभी तक इतना कुछ नहीं सोचा कि मैं वहाँ से ये लूँगी वहाँ से ये लूँगी. इवन फॉर माय ड्रीम शादी का लहंगा मैंने पिंटरेस्ट पे चीज़ें सेव करनी शुरू कर दी. इंस्टाग्राम पे कुछ दिखता है तो सेव कर लेती हूँ, बिकॉज एक होता ना कुछ चीज़ पसंद आती है तो दिमाग में आप आइडिया लेके चलते हो. मैं अपना मूड बोर्ड डेफिनेटली बनाने वाली हूँ. प्लीज़ मुझे आइडिया दो, अगर किसी की शादी हो गई है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है. फिर कोई टिप हो पहले से शॉपिंग की, कुछ भी हो, इफ़ यू आर न्यूली मैरिड या फिर रिसेंटली आपकी शादी हुई है, आपके पास कोई एकदम फ्रेश एडवाइस है जो आप एज अ ब्राइड देना चाहते हो, प्लीज मुझे भी दो. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छी अच्छी एडवाइस दो. कशी का ज्ञान तो सुनते रहते हो, इस बार मुझे ज्ञान दो कि मुझे कैसा करना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली मैं पैनिक कर जाती हूँ. इवन माय रोका मुझे आधी मेमोरी आधी नहीं रोकेगी, बिकॉज मैं काफी जगह पे ना ज़ोन्ड आउट सी हो गई थी. पहला फंक्शन था मेरा, सबको सब मुझे पूछ रहे थे, कोई इधर से बुला रहा है उधर से बुला रहा है, बहुत ज्यादा मैं ऐसे ना ज़ोन्ड आउट जैसी थी. और अभी मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसको अच्छे से ग्रीट किया, मैंने उनको नमस्ते किया, ऐसे किया, बिकॉज मैं बहुत जगह ज़ोन्ड आउट हो गई थी. सो यार मुझे अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा अभी कम करना है, बिकॉज मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ. इसने पूछा है, शेयर योर रोका लुक, हेयर स्टाइल एंड मेकअप, यू लुक सो ब्यूटीफुल. ओके, सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया मेरा रोका का लुक. रोका का आउटफिट मैंने पहले ही ले लिया था जब मैं कजन की शादी के आउटफिट्स लेने गई थी ना. मैं एक दिन मदर को लेके गई थी, जो मैंने व्लॉग बनाया था ना कि मैं नेक्स्ट डे बॉम्बे सिलेक्शंस गई अर्ली मॉर्निंग करोल बाग मदर को लेके, मुझे उनको दिलाना था शादी का, लाइक मेरे कजन की शादी का आउटफिट. बट वहाँ पे एक अनारकली मैंने ट्राई किया, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया. मतलब माय मॉम वाज लाइक, यही पहनना है तू, अपने रोके पर यही पहनेगी. सो वो आउटफिट मेरी कंप्लीटली मेरी मॉम की चॉइस का था, बिकॉज मैं पर्सनली प्लान कर रही थी मैं कुछ लाइट पेस्टल में पहनूंगी, बट माय मॉम बीइंग माय मॉम, शी लाइक लाउड चटाक वाले कलर. वो अभी भी मुझे डेली कहीं ना कहीं सीरियल में कोई आता है किसी की शादी में जाते हैं, वो अभी मुझे यही बोलती है, बेटा लाल लहंगा पहनना है, लाल 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 लहंगा पहनना, सोचो मत लाइट कलर लेने का. आउटफिट तो मेरा वो डन हो ही गया था, कंसिडरिंग मेकअप एंड हेयर स्टाइल ये बहुत जल्दी बुक हुआ था. जैसे कि मैंने कहा कजन की शादी का था पूरा फंक्शन, एक दिन बाद ही मेरा रोका था, तो मैं एक दिन पहले अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्लर पे गई जो रेकमेंड किया गया था कि बहुत अच्छा है, तो वहां से मैंने कराया. और संडे के दिन उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, मतलब वो ओनर ने भी ब्लॉक नहीं किए हुए थे डेट्स कि मैं इस टाइम पे इतने ही लूंगी, वो लिटरली लिए जा रहे थे एंट्रीज के. अच्छा और मेकअप आया और मेकअप आया, वो लिटरली हेयर जो हेयर स्टाइलिस्ट था वो अलग से इतने सारे क्लाइंट्स ले रहा था, मेकअप वाली इतने सारे क्लाइंट्स ले रही थी. तो वहां पर ना बहुत ज्यादा मेसी सिचुएशन हो गई थी. मेरा मेकअप वेकअप सब कुछ हो गया था, लेकिन हेयर स्टाइल मैं लिटरली निकलने से पहले हुआ था कि 6:30 हमें बोला गया था कि वेन्यू पर पहुंचना है, और 5:45 के अराउंड मेरे बाल कर्ल कर रहा था, और उसने ना ऐसे साइड पार्टी देखे ऐसे ऊपर ऊपर सा कर दिया था, जो मुझे इतना अच्छा ही लगा. थैंक गॉड उसके बाद वो बाल ऐसे बैठ गए थे तो अच्छा लग रहा था, बिकॉज वो ऐसा उठा हुआ मुझे बड़ी फेमिनिश और मैच्योर्ड लुक दे रहा था. सो मुझे पर्सनली नहीं इतना पसंद आया. एंड आई थिंक फंक्शन छोटा था ना तो एक्सपेरिमेंट चल गया, बट वो फ्यूचर में मैं नहीं करने वाली. अब मैं आराम से टाइम लूंगी, पूरा सोचूंगी कि मेकअप कहाँ से कराना है, हेयर स्टाइल कैसे कराना है, चीज़ों को सेव करके रखूंगी. अब मैंने ये चीज़ देख लिया कि खाली ऐसा नहीं होता कि जाके कहीं पार्लर में जाके आँख बंद करके बैठ जाओ, आपको अपने इनपुट देने पड़ते हैं, बिकॉज अदरवाइज वो फिर रगड़ा हुआ जो सबको करते हैं ना, वो आपको भी वही कर देते हैं कि चलो हम 10 क्लाइंट्स के जो आंटीज के बड़ों के बच्चों के जो कर रहे हैं ना, वो इन्हीं को चेप दो. सो वो
डिफरेंट नहीं करते. सो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई हेयर स्टाइल एंड मेकअप. एंड अगेन जैसे कि मैंने बोला था, तीन चार दिन मेकअप कर करके स्किन अजीब सी इन्फ्लेम्ड हो गई थी. बहुत सारे कॉमेडॉन्स थे, वो और ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे. आई डोंट नो उसने सिलिकॉन वाला प्राइमर क्यों नहीं यूज़ किया. उस दिन मेरे पोर्स और ज़्यादा से बड़े बड़े दिख रहे थे. बट नेवर माइंड, वो दिन हो गया. रोका होना ही बहुत बड़ी बात थी. आई एम थैंकफुल टू गॉड, जो हुआ अच्छा हुआ. सो आगे फ्यूचर में ध्यान रखने वाली हूँ. इसलिए मैंने बोला है, जो भी ब्राइड टू बी है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, ब्राइड टू बी तो मैं भी हूँ यार, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है ना, प्लीज़ मुझे एडवाइसेस दो कमेंट सेक्शन में. मुझे अच्छी अच्छी कुछ ना कुछ ज्ञान दो जो आपने अपने जर्नी में सीखा हो. क्या पता आपकी जर्नी से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए. सो सारे आज ज्ञान देंगे मुझे जिनकी शादी हो चुकी है, फिर न्यू शादी हुई है. हाउ डू यू फील टू बी अ पार्ट ऑफ अ पंजाबी फैमिली? आई फील वेरी हैप्पी. मतलब उनकी जो वाइब्स होती है पंजाबी फैमिलीज की, वो अलग ही लेवल पे होती है. लाइक दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, दे आर वेरी हैप्पी. वाइल मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो काफ़ी एक रिजर्व्ड एनवायरनमेंट में हुई है, जहाँ पे इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते, जहाँ पे हम इतना ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना, जो झप्पियाँ पप्पियाँ वाला जो सीन होता है वो नहीं होता. सो मैं काफ़ी कोल्ड हार्टेड वाली मेरी अपब्रिंगिंग हुई है. सो अब जब मैं एकदम ऐसे एक्सप्रेसिव फैमिली में जाती हूँ ना, तो बड़ा एक अच्छा फील होता है. एंड सेम केस इज विद हिम एज वेल. ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव. ही इज़ अ कैंसेरियन, तो ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा बता दिया. बट या ही इज़ लविंग इन दैट वे. सो या आई एम एक्साइटेड. इट्स लाइक अ न्यू कल्चर. आई एम गोना अडेप्ट समथिंग वेरी वेरी न्यू. काफ़ी बड़ा कल्चर शिफ्ट आने वाला है. सो उसके लिए भी थोड़ी बहुत डर है मेरे अंदर. एज माई मॉम सेड की डिसीजन ले तो लिया है, कल को निभाना भी तुझे ही है, तो ऑब्वियसली निभा लेंगे यार. फैमिलीज अच्छी होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, सब हो जाता है. जय माता दी. एंड विद दिस वी आर डन. बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वही रिपीटेटिव वाले हैं. स्टोरी बताओ, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताई दी हैं. सो या आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. मैं सोची थी स्टोरीज ऐसे सब कुछ क्लियर आउट कर दूँ, बट यार स्टोरीज में ना काफ़ी मैसी हो जाता है, फिर वही क्वेश्चन दोबारा आते हैं. तो ये लाइफ अपडेट वीडियो एकदम परफेक्ट है. आप इसको कभी भी देखो, आपको पता चल जाएगा कि अभी फिलहाल मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विशेज जिन्होंने मुझे विश किया. थैंक यू सो मच. आई एम सुपर 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 ग्रेटफुल फॉर यू गाइज. मतलब वर्चुअली आप प्लेटफॉर्म पर आते हो और आपको इतनी अच्छी ऑडियंस मिलती है, फिर वो आपके हर एक फेज ऑफ लाइफ में आपके साथ खड़ी होती है, आपको अप्रिशिएट करती है, आपको विशेस देती है, दुआएं देती है, कंग्रेचुलेशंस मिलती है. मतलब मुझे लिटरली पाकिस्तान से भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो लड़कियां मुझे विश कर रही हैं कि माशाल्लाह नजर ना लगे ये वो. मतलब बहुत अच्छा फील होता है यार. थैंक यू सो मच. आपकी एक एक विश बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपकी ब्लेसिंग्स ही बहुत है. आप एक दो तीन वर्ड की ब्लेसिंग भी लिख देते हो ना, तो आई थिंक मेरा दिन बन जाता है. सो थैंक यू सो मच. एंड स्टे ट्यून्ड. आगे जो भी होगा मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ. यू विल सी अ न्यू फेज ऑफ माई लाइफ. कोर्टशिप पीरियड अब कहीं ना कहीं मेरा शुरू हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चेंजअप होंगी. बहुत सारी चीज़ें मैं भी करने वाली हूँ, तो उन सारी जर्नी में मैं आपको अपने साथ लेने वाली हूँ. वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स की बात करी है उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पर मैं बहुत एक्टिवली स्टोरीज डालती हूँ. मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ यूट्यूब पर मैं डेली इंस्टाग्राम स्टोरी व्लॉगर आप बोल सकते हो, बिकॉज मैं स्टोरीज पे पूरा शेयर करती हूँ. आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं कहाँ गई थी, जो भी ग्लिम्सेस होते हैं, मार्केट टूर जो भी होता है, मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करती हूँ. सो प्लीज मुझे जाकर जरा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना. यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ एज वेल. फॉर डेज वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.